नाजरीन आदाब उर्दू नामा के इस खसूस पेशकश में मैं आज आपके लिए एक तन्ज़ा लेकर आया हूँ जिसका है अदत करने वाले कम न होंगे आज से साठ बरस पहले मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी ने शायस्ता आदमी की पहचान ये बताई थी कि अगर आप उससे ये कहें कि मुझे फ़लाँ बीमारी है तो वो कोई आजमूदा दवा आपको न बताए इधर पिछले साठ वर्षों में पुल के नीचे से काफ़ी पानी बह चुका है और अब मुसलसल ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से बह रहा है ये ज़माना सोशल मीडिया का ज़माना है पहले आदमी अपनी हर बुराई और हर बीमारी यहाँ तक कि अपनी हर अच्छाई और ख़ूबी की तस्हर करने को भी ऐप समझता था मगर आज बच्चे की पैदाइश खतना अकीक पहला रोज़ा सालगरा स्कूल के तकरीरी मुकाबलों के इनामत से लेकर अपनी शादी की सालगराह मुलाज़मत का पहला और आखिरी दिन कोरोना के टीके लगवाना रोज़नामा में गजल या मरासिले की इछात से लेकर सफ़र करते वक्त रेलवे प्लेटफॉर्म या हवाई अड्डे पर ली हुई तस्वीर नई गाड़ी खरीद कर उसके बॉनेट पर हाथ रख कर खींची हुई तस्वीर किसी गरीब को केला खिलाते हुए या यतीम बच्चों को किताबें कापियाँ बांटते वक्त की तस्वीरों से लेकर अपनी बीमारी और रिश्तेदारों की वफात की खबरें मा तस्वीर बड़ी शान से सोशल मीडिया पर पोस्ट की जाती हैं ऐसे लोगों के मुकाबले में दस गुना कभी कभी सौ गुना तक लोग वो होते हैं जो ऐसी ख़बरों का बेचैनी से इंतजार करते हैं ताकि वो उन्हें पढ़कर अपनी पसंदीदगी यानी लाइक का इजहार करने या उस पर रेडीमेड मेड तबसरे यानि कॉमेंट्स करने में दूसरों पर सबकत ले जाए पसंदीदगी या लाइक और तबसरे या कमेंट्स के इस दौर में अक्सर लोग बीमारी और मौत की खबर पढ़कर भी लाइक का बटन दबा देते हैं इसकी वजह कुछ तो उनकी उजलत पसंदी और कुछ इल्म की कमी और अमल की ज़्यादती होती है बीमारी की खबर के जवाब में रेडीमेड दुआएं और वफात के मौके पर नित नई डिज़ाइन और रंगों वाले इन्ना, वा इन्ना राज के तुगड़े अब सोशल मीडिया पर बसानी दस्तियाब हैं जो बीमारों और अयादत गुजारों और मतूफियान और ताज़ियत गुजारों के दरमियान पुल का काम करते हैं उनसे ज़्यादा तख्लीकी जहन के लोग मरने वाले के हक़ में जन्नत के आला मकाम कि अलाटमेंट की सफारिश और लवाकिन को सब्र की तलकिन और ताक़द पर मुश्तम जुमले नकल करके करकेवाबदारन के उम्मीदवारों की कतार में लग जाते हैं बीमारी की खबरों के नीचे शिफाए कामिला व आज़ला की दुआओं का मजमा लग जाता है और अलालत की खबर को पसंद यानी लाइक करने वालों और अयादत यानी कमेंट्स करने वालों की रोज़ाना बढ़ने वाली तादाद को देखकर बीमार और उसके रिश्तेदारों के चेहरों पर रौनक आ जाती है सोशल मीडिया पर बीमारी और मौत की खबर देने वाले और उसे पढ़कर कर इजहार पसंदीदगी और इजहार ख़्याल करने वाले हर दो तबके के लोग अपनी पब्लिसिटी के अलावा उनके बड़े नेक मकासद होते हैं साठ बरस पहले मरीज और उसके रिश्तेदारों को अयादत करने वालों से बेसुकूनी मिलती थी आज मरीज़ खुद अयादत करने वालों से दरख्वास्त गुजार होता है कि आ बैल मुझे मार और जब ये बैल चारों तरफ से यलगार करते हैं तो उसे दिली सुकून हासिल होता है और बीमारी भी आधी ही रह जाती है कुछ तो इतने जूद हिश होते हैं कि हमदर्दा ने सोशल मीडिया की बढ़ती हुई तादाद जैसे ही सौ का हिंसा पार कर जाती है वो बिस्तर अलालत से छलांग लगाकर हिरन की तरह चौकड़ियाँ भरने लगते हैं मुझे अपने खास इंश्योरेंस की बिना पर हमेशा से इतमिन रहा कि खुदा न खास्ता किसी बड़ी बीमारी या वबा का शिकार होने पर अस्पताल वालों का शिकार नहीं होना पड़ेगा यूं भी सालाना तिब्बी रिपोर्टों ने मुझे अच्छी तरह यकीन दिला दिया था कि मेरी सेहत काबिल रश्क है तबी जांच करने वाली नर्सों ने मुझे कई बार ये इतना हम पहुँचाई थी कि मैं अपनी उम्र से बहुत छोटा नज़र आता हूँ जबकि मेरा ख्याल था कि ये उनकी नज़रों का कसूर था फिर यूँ हुआ चंद माह बेशतर अचानक रिपोर्ट आई कि नाचिस को दिल का आरजा लाक है और वो भी ऐसा आरजा जो हज़ारों में एक को होता है दिल को एक इतमान हुआ कि दिल के आरज़े के सबब ही सही मैं हज़ारों में एक हूँ मेरे कार्डियोलॉजिस्ट ने हँसते हुए ख़बर दी आपका दिल बड़ा हो गया है मैंने भी जवाबन मुस्कुराते हुए कहा डॉक्टर मेरे नाम का मतलब भी बड़ा दिल वाला है ये तो होना ही था हैरत अंगेज तौर पर बीमारी की कोई अलामत जाहिर नहीं हुई थी बस अंदर ही अंदर दिल फल फूल रहा था और इलाज सिवाय सर्जरी के कुछ और न था और सर्जरी भी कैसी कि सीना चाक करके दिल को जिस्म और अक्ल से जुदा करके तन्हा कर दिया जाता है दौरान खून का निज़ाम मशीनों के हवाले कर दिया जाता है और डॉक्टर मजे से दिल में रफ़ू का काम करने में जुट जाते हैं अगले चंद रोज़ में ही मेरे दिल के फैलने की खबर न जाने कैसे अहबाब और रिश्तेदारों में फैल गई अब टेलीफ़ोन करने वालों का सिलसिला शुरू हुआ तो पता चला कि अब अयादत करने वालों की दो जमातें बन गई हैं एक बुज़ुर्गों की जमात जिनकी उम्रें साठ से तजावज़ कर चुकी हैं और जो अब भी दयानोशी और यूसुफी तरीक़े से ड्रावनी अयादत करने में यकीन रखते हैं और दूसरे वो जो अभी नौजवान हैं यानी साठ बरस से कम उम्र के हैं और वो सोशल मीडिया वाली रेडीमेड मेड आयादत और इबादत के कायल हैं उनका कहना है कि मुझसे पहली सी अयादत मेरे बीमार न माँ एक बुज़ुर्ग अफसाना नगार जनाब अबुल कलाम के फोन की घंटी ने सुबह सवेरे जगाने का काम किया उन्होंने छूटते ही फैसला शादी कर दिया आपको कुछ नहीं होगा ऑपरेशन यकीनन बड़ा और पेचीदा है लेकिन ज़रूर कामयाब होगा आपने सर्जरी का बिल्कुल सही फैसला किया है सर फैसला तो डॉक्टरों का है मैंने दबी जबान में कहा वो तो ठीक है लेकिन हामी तो आपने भरी है ना काश दस बरस पहले मेरे भतीजे ने इस ऑपरेशन से इनकार न किया होता तो जवानी में फ़ौत नहीं होता वो भी कुशादगी दिल के आर्ज़े में मुबतला था अब मौसूफ ने खौफ़ का माहौल पैदा करने की इब्तदा की ओह बेहद अफसोस हुआ सुनकर अल्लाह उनके मकफरत करे मैंने इजहार अफसोस किया मुझे खौफजदा न पाकर मौसूफ कुछ नाउमीद से हो गए अब उन्होंने एक और हरबा आज़माया मगर आपको हिम्मत से काम लेने की ज़रूरत है बिल्कुल न डरें आप अल्लाह बड़ा कारसास है हिम्मत अफजाई का शुक्रिया मैंने उकता कर जवाब दिया मगर वो नहीं रुके कहने लगे आपको चलने में बहुत तकलीफ़ होती होगी सांस फूलने लगती होगी नहीं मैं रोज़ाना सुबह पाँच किलोमीटर तेज़ कदमों से चलता हूँ और बिल्कुल सांस नहीं फूलती मैंने अर्ज़ किया सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाते होंगे और दौड़ने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता मेरे भतीजे ने भी यही तमाम तकलीफें सही थी नहीं सर मैं सीढ़ियाँ भी जल्दी जल्दी चढ़ लेता हूँ कभी कभी जॉगिंग ट्रैक पर दौड़ भी लगा लेता हूँ अच्छा भाई ये तो ज़्यादा ख़तरनाक बात है उन्होंने अब भी हिम्मत नहीं हारी इतनी बड़ी इतनी खौफनाक बीमारी आपके अंदर पल रही है और उसकी कोई अलामत जाहिर नहीं हो रही है भाई ये बहुत ही रिस्की और जोखिम वाला मामला है कभी भी अचानक कुछ भी हो सकता है मगर आप हिम्मत से काम लेकर जाएं और कामयाब व कामरान लौटें इन मुझे अब अल्लाह के सुपुर्द कर दिया दूसरा फ़ोन एक अस्सी बरस के नौजवान शायर का था सलाम का जवाब देने के बाद जो पहला जुमला उन्होंने अदा किया औसान ख़ता करने वाला था भाई तुमको पता है अलामा इकबाल का इंतकाल महज एकसठ एक बरस की उम्र में इसी बीमारी में हुआ था उनका भी दिल फैलना शुरू हो गया था और कई बरस तक आहिस्ता आहिस्ता फैलता रहा था आखिर उन्हें अपने साथ ही ले गया मैं अभी कुछ कहने को ही था कि उन्होंने गुलूगर आवाज़ में ये शेर पढ़ दिया भाई क़ाय माता है मुझे रहम जवानी पे तेरी कायम आता है मुझे रहम जवानी पे तेरी मर चुके हैं इसी आज़ार के बीमार बहुत अब मेरी समझ में नहीं आया कि अपनी जवानी की खुशियाँ मनाऊँ या मरने वालों का मरसिया पढ़ूँ और अपनी आखिरत की खैर मनाऊँ फिर एक चालीस बरस पुराने दोस्त जिनकी बाईपास सर्जरी अभी दो बरस पहले ही हुई थी उनका फ़ोन आया समझाने लगे भाई क्यों ऑपरेशन कराते हो जबकि तुम हर लिहाज से फिट हो मेरी मानो तो ऑपरेशन का ख्याल दिल से निकाल दो मैंने जवाब दिया दिल का ही तो ऑपरेशन है उसका ख्याल दिल से कैसे निकाल दूं? भई अल्लाह पर भरोसा रखो कुछ नहीं होगा डॉक्टर कहता है कि ऑपरेशन नहीं कराओगे तो कुछ हो जाएगा ये बताओ तुमने क्यों बाईपास बाई सर्जरी कराई थी डांट कर कहने लगे भाई मुझे तो हार्ट अटैक हुआ था मेरे पास तो कोई अल्टरनेटिव कोई मुतबाद ही नहीं था तुम क्यों ऑपरेशन की मुसीबतें झेलना चाहते हो जिंदा रहने के लिए मैंने जवाब दिया यूं भी तुमने मशवरा देने में बहुत देर कर दी अफसोस अब कुछ नहीं हो सकता इतना कहने के बाद मैंने रफ़ शर की खातिर उनकी खदमत में ये शेर पेश कर दिया कि आते हैं अयादत को तो करते हैं नसीहत आते हैं अयादत को तो करते हैं नसीहत अहबाब से गम ख़ार हुआ भी नहीं जाता मगर वो न माने और कहने लगे भाई हर सेहतमंद आदमी का फर्ज़ होता है कि वो बीमार को मशवरे से नवाजे मैंने अर्ज़ किया भाई मेरा डॉक्टर तुमसे ज़्यादा सेहतमंद है और उसे तिब्बी मशवरा देने का लाइसेंस मिला हुआ है अब उन्होंने ज़िद पकड़ ली आजकल डॉक्टरों का कोई भरोसा नहीं वो हर मरीज़ को ऑपरेशन थिएटर की सैर कराकर उसे अपने बैंक बैलेंस और जायदाद से आज़ाद कर देना चाहते हैं मेरी मानो तो किसी और अच्छे माहर अमराज कल्ब यानी कार्डियोलॉजिस्ट से मुतबाद राय यानी सेकंड ओपिनियन ले लो अगला फ़ोन एक रिटायर्ड सरकारी अफसर का था जिनकी हॉबी मशहूर वरूफ हस्तियों के इंतकाल पर उनका ताजियत नामा लिखना है जिसे वो खाका कहते हैं मैंने एक रोज़ अज़राहे मज़ाक उनसे पूछ लिया आप मेरा खाका कब उड़ाएंगे? कहने लगे भाई पता नहीं अभी उसका वक्त नहीं आया मैंने फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ़ से आवाज़ आई हेलो भाई मैं काका नवीश तो़ीर आरजी बोल रहा हूँ कितनी अनदोहनाक ख़बर सुनी है आपके बारे में सुनाए आपका दिल बड़ा हो गया है अल्लाह रहम फरमाए मैंने अर्ज़ किया नहीं हुजूर वो तो हमेशा से बड़ा था रूहान से होकर कहने लगे बड़ी रूह फरसा ख़बर है अल्लाह हम सब को बड़ी बीमारियों से महफूज रखे क्या ओपन हार्ट सर्जरी होगी मैंने इस बात पे जवाब दिया तो एक शिश्की लेकर कहने लगे क्या कोई सुराख भी है दिल में या कोई वॉल्व बदलना पड़ेगा मैंने तो जब से ख़बर सुनी है मेरे तो दिल में दाग पड़ गया है मैंने जवाब दिया मैं अपनी तिब्बी रिपोर्ट आपको व्हाट्सएप पर भेज देता हूँ वो ख़ुद देख लीजिएगा कहने लगे अल्लाह आपको नई जिंदगी दे अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूँ मैंने आहिस्ता से कहा जी नहीं मेरा दिल बहुत बड़ा है वो बुरा नहीं मानता आप शौक़ से फरमाएं भारी आवाज़ में कहने लगे देखिए सर्जरी वगैरह तो होती रहेगी मेरी ने तो मैं होम्योपैथी की एक तीर बहदफ दवा का नाम व्हाट्सएप पर भेज रहा हूँ वो मंगाकर खाना शुरू कर दें इनशाला ऑपरेशन सहल हो जाएगा ज़रूर मैंने खुश दिली से कहा क्या वाकई बहुत पुरसर दवा है असरदार उन्हें मेरी बेवकूफ़ी पर तरस आ गया हुजूर मेरे एक दोस्त को डॉक्टरों ने बीस बरस पहले जवाब दे दिया था उन्होंने ये दवा इस्तेमाल करनी शुरू की और आज तक जिंदा हैं मैंने उनसे तफरीहन सवाल किया क्या उन्हें भी दिल का आरिसा था तड़ से जवाब मिला आरिसा हुजूर उनका दिल तो बिल्कुल बेकार हो चुका था होम्योपैथी की दवा लेते ही उसने धड़कना शुरू कर दिया और अब तक मज़े से धड़क रहा है फ़ोन रखते ही व्हाट्सएप पर दवा की बोतल और उसका पैकेट दोनों रोशन हो गए फिर कुछ नौजवान दोस्तों ने फरमाइश की कि वो घर आकर मेरी मिजाज पुरसी करना चाहते हैं मैंने फर्दन फर्दन दबी जबान से उन्हें रोकने की कोशिश की आप क्यों इतनी जहमत करते हैं आप इतना फ़ासला तय करके आएंगे और मेरी बीमारी का कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगे टैक्सी के अखराज अलग होंगे अब हमारे अहबाब ने जो जवाब दिए वो कुछ यूँ थे भई हम तो सिर्फ तुम्हें देखना चाहते हैं क्या पता फिर ये मौका मिले न मिले अब बार बार तो ऐसा ऑपरेशन नहीं होता ना खुदा की कसम हम तुम्हारी बीमारी के बारे में उल्टे सीधे सवाल करके बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे और आजकल तो हर सवाल का जवाब गूगल पर मिल जाता है भाई सच पूछो तो भाभी के हाथों का पका खाना खाए जमाना हो गया खुदा ने तुम्हें ये एक अच्छा मौका दिया है मेहमान नवाजी का हमारे खुलूस को यूँ न ठुकराओ प्लीज़ भाई अगर तुम्हें टैक्सी के किराए की इतनी फिक्र है तो वापसी का किराया तुम दे देना बस हम कल शाम आ रहे हैं एक शाम तुम्हारे बड़े दिल के नाम आप ही बताइए ऐसे पुरखलूस और मोहब्बती मेहमानों को घर आने से कौन रोक सकता था अगले रोज़ हमारे ये चारों दोस्त एक अट्ठावन बरस के नौजवान शायर एक पचपन बरस के नई नस्ल के नुमाइंदा अफसाना निगार, एक बावन बरस के बेबाक सहाफ़ी और एक पचास बरस के दिल फेंक प्रोफेसर मुंबई की चार मख्तलफ़ समतों से सरे शाम नमदार हुए चारों मॉडर्न और अप टू डेट दियाियानोसी तर्ज़ अयादत के सख्त मुखालिफ काजिम अली साहब पूरे पैंतालीस मिनट तक अपने अफसाने से मेरा दिल बहलाते रहे सहाफ़ी पीरजादा अपने एडिटर का मज़ाक उड़ाने में लगे रहे और प्रोफ़ेसर अनवर कमाल ने अपने मुआशों की पुरुफ दास्तानों से महफ़िल को गरमा दिया मैं जी ही जी में खुश होता रहा कि देखिए नई नस्ल के अयादत गुजार मेहमान कितने समझदार हैं मरीज़ को एहसास ही नहीं होने देते कि वो किसी मरज़ में मुबतला है मैंने उनकी इन इनायतों का जवाब बेगम के बनाए हुए लजीज खानों और बाजार से मंगाए हुए मशरूबात से देने की कोशिश की रात के तकरीबन बारह बजे हमारी ये मेहरबान दोस्त रुखसत होने लगे तो बेगम से न रहा गया भाई साहब उनका लहजा तकरीबन शिकायती था अगले हफ्ते बेंगलोर के अस्पताल में इनकी ओपन हार्ट सर्जरी तय पाई है आपसे दरखास्त है कि शायर तवन्ना कानपुरी ने बेगम की बात काट कर कहा भाभी दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को आपके शौहर बहुत बहादुर इंसान हैं हंसते खेलते कामयाब लौटेंगे प्रोफेसर अनवर फरमाने लगे भाभी आज का खाना तो बेहद लजीज था मैं घर जाकर व्हाट्सएप पर भाई साहब की बीमारी की तफसील लिख दूंगा। मैंने घबरा कर उन्हें कुछ कहना चाहा, मगर सहाफ़ी ज़्यादा बीच में ही बोल पड़े जी हाँ मैं ख़ुद आज की मज़ेदार पार्टी और भाई की बेंगलोर सर्जरी की दो कॉलमी ख़बर परसों के अखबार में शाये कर दूंगा अफसाना निगार काजिम साहब क्यों पीछे रहते फरमाने लगे मैं आज ही अपने अफसाने को फ़ेसबुक पर अपलोड कर रहा हूं उसके नीचे आपकी बीमारी की, की खबर और दुआ की दरखास्त भी पोस्ट कर दूंगा फिर आपको पता लगेगा आप कितने मशहूर और कितने मकबूल हैं मैंने हाथ जोड़ दिए आप तमाम मुखलिस दोस्तों से मददबाना गुजारिश है कि मुझे और मेरे दिल को तनहा छोड़ दें और हरगिज उसे अखबार और सोशल मीडिया की जीनत न बनाएं क्योंकि जैसे ही दुआए आम की दरख्वास शाय होती है लोग समझ लेते हैं कि मरीज़ का चल चलाव है उन्हें रुखत करके हम सोने की तैयारी कर ही रहे थे कि मोबाइल स्क्रीन पर हमारी भाभी का मुस्कुराता हुआ चेहरा नमूदार हुआ और व्हाट्सएप की मुख्तलिफ घंटी बजने लगी यह अमेरिका का कॉल था जहाँ दिन का एक बजा था मगर हमारे बारह बज रहे थे वो भी रात के फ़ोन हमारी बेगम ने रिसीव किया और न जाने वहाँ से क्या कहा गया कि वो अचानक रोने लगी ालिबा फ़ोन की दूसरी जानब भी अश्क बारी और रोना धोना जारी था बेगम ने फ़ोन को स्पीकर पर डाल दिया तो वहाँ की आवाज़ सुनाई देने लगी भाई अगली सात रातें बहुत भारी हैं तुम्हारे शौहर पर कल तुम फौरन एक बकरे का सदका उतार दो इनशाला सब काम आसान हो जाएगा फिर सारी रात मैं ख्वाब में बकरा मंडी में घूम घूम कर मुनासिब दाम पर बकरा खरीदने की कोशिश करता रहा यूं तो हमारे प्यारे अदत करने वालों की तादाद इतनी रही कि हर किसी के मेहरबानियों का हाल बयान करना मुमकिन नहीं है लेकिन रिवायत से बगावत करने वाले तीन अयादत गुजारों का जिक्र अजहद ज़रूरी है अलीगढ़ से हमारे कर्म फर्मा अफसाना निगार, नावल नवीस दोस्त सैयद साहब का फ़ोन आया हाल चाल पूछ चुके तो इंतहाई राजदाराना लहजे में कहने लगे भई आप बुरा न माने तुम मुझे बताएं कि मैं इस सिलसिले में कुछ आपके काम आ सकता हूं। मुझे अपने कानों पर बड़ी मुश्किल से यकीन आया क्या आज के जमाने में भी कोई ऐसी बात कर सकता है अपने अयादत गुजारों और मिजाज पुरसी करने वालों से जितने गिले थे सब जाते रहे मुझे याद आया कि मौसूफ ने कुछ माह पेशतर ही एक बीमार अफसाना निगार की भारी माली इमदाद की थी इससे पहले कि वो मेरी खामोशी को मेरी रजामंदी समझ लेते मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और कहा आप जिस चीज़ की तरफ़ इशारा कर रहे हैं मैं उससे ज़्यादा कीमती चीज़ का आपसे मतमी हूँ ज़ोर से हंसे और कहने लगे मैं आपके लिए ज़रूर दुआ करूँगा अगले रोज़ बेंगलोर से रिटायर्ड प्रोफेसर सईद जो अफसाना निगार और मिज़ा भी हैं और अपनी मेहमान नवाजी के लिए मशहूर हैं बल्कि मेहमानों पर जान छिड़कने के लिए पहचाने जाते हैं वो फ़ोन करके कहने लगे भई बड़ी ख़ुशी की बात है कि आपने अपनी ज़राहत दिल के लिए हमारे शहर का इंतखब किया मैं एयरपोर्ट पर आपके इस्तबाल के लिए हाजिर हो जाऊँगा वहाँ से आप सीधे मेरे ग़रीब खाने पर चलेंगे जहाँ ऑपरेशन से पहले और बाद में आप माँ फैमिली क़्याम करेंगे अब मैं इस किस्म की अयादत का आदि हो चला था इसलिए अर्ज़ किया हज़ूर आपने तो मिजाज पुरसी और मिजा पुरसी का फ़र्क़ ही मिटा दिया आप अपने बंगले को क्यों अस्पताल में तब्दील करना चाहते हैं फिर आपका दौलत खाना एयरपोर्ट से तीस किलोमीटर और मेरे जराहत ख़ाने से चालीस किलोमीटर के फ़ासले पर है कहने कुर्बतें अपनी जगह हैं फे अपनी जगह मैंने उन्हें समझाया हज़ूर मैंने अस्पताल से चंद कदम की दूरी पर एक होटल बुक कर लिया है जिनका दावा है कि वो घर से ज़्यादा आराम पहुंचाते हैं आप कल वहीं तशरीफ़ ले आए अगले रोज़ प्रोफेसर सईद साहब खाने के पैकेटों से लदे फंदे होटल तशरीफ लाए अपनी गाड़ी में कई घंटे अपने शहर घुमाते रहे फिर रात गए अपनी नेक तमन्नाएं मेरे हवाले करके अयादत गुजारी की नई मिसाल कायम करके रुख्सत हो गए ऑपरेशन के दिन अल सबाह अमल जर्राही के कमरे यानी ऑपरेशन थिएटर में मुझे ले जाने की तैयारी हो रही थी कि कमरे में सफाई करने वाली बूढ़ी खादमा दाखिल हुई और मुझसे कहने लगी साहेब आप एकदम आराम से जाइए आपका ऑपरेशन कामयाब होगा आपको पता भी नहीं चलेगा ये सुनकर मुझे हैरत हुई और बीवी को ख़ुशी कि देखिए किस सलीके से गुफ्तु कर रही है बेगम ने पर्स में से सौ रुपये का नोट निकाल कर उसके हवाले किया जो उसने मुस्कुराते हुए कबूल कर लिया और जाते हुए कहने लगी हम सब स्टाफ लोग आपके लिए दुआ कर रहे हैं ये सुनकर खौफ की एक हल्की सी लहर बीवी के चेहरे पर आकर गुजर गई ऑपरेशन थिएटर के बाहर मैंने बीवी और बेटे से हाथ मिलाया और मुस्कुराते हुए मिर्ज़ा गालिब को याद किया मेरी किस्मत में गम गर इतना था मेरी किस्मत में गम गर इतना था दिल भी यारब कई दिए होते बेटे के चेहरे पर हल्के से मुस्कुराहट दौड़ गई बीवी ने मुस्कुराने की कोशिश की और नाकाम हो गई ऑपरेशन थिएटर में दर्जन भर लोग मेरे मुंतज़र थे चंद मिनटों बाद एक बेहद खूबसूरत डॉक्टर चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए नमूदार हुई आप कैसे हैं शायद उसने यही कहा था मगर मेरे कानों में जैसे घंटियाँ बजने लगीं और मैं बेहोश होते होते बचा आज उसने हँस के यूं पूछा मिजाज आज उसने हंस के यूं पूछा मिजाज उम्र भर के रंज गम याद आ गए आई एम फाइन घबराहट में मैंने अंग्रेज़ी का सहारा लेने की कोशिश की वो परिवश फिर मुस्कुराई और क्यों गोया हुई मैं आपकी एनेस्थेटिस्ट, यानी बेहोशी पैदा करने की माहिर डॉक्टर हूँ अभी मैं आपको एक छोटा सा इंजेक्शन दूंगी बस ज़रा सी तकलीफ़ होगी इतना कहकर वो नज़रों से ओझल हो गई मेरे जहन में ये शेर गूंजा होश का अंदाज़ा बेहोशी में है याद का आलम फरामोशी में है इतने में गर्दन के पिछले हिस्से में सुई जैसी कोई चीज़ चुभी फिर उसके बाद चिरागों में रोशनी न रही बहुत बहुत शुक्रिया और इसी के साथ हमारा ये प्रोग्राम ख़त्म हुआ बहुत जल्द मिलेंगे अगली नशिश में किसी अगली तख्लीक़ के साथ आदाब